नागरिकता की बात की जाती है तो अक्सर टीवी पे हमारे यूट्यूब आए कुछ लोगों के ये बातें भी चली कि पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में जो सिर्फ कम्युनिटी है जिनको तंग किया जाता है परेशान किया जाता है उन लोगों के लिए जो कानून है बहुत बेनिफिशियल है। आप लोगों से भी अक्सर कुछ जर्नलिस्ट जमात में बात करते होंगे कि उन लोगों की पीड़ा को समझिए उन लोगों के लिए कानून बहुत बेनिफिशियल है। तो आप लोगों को उनसे जो सवाल करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे कर देना आज पंजाब का 50% से ज्यादा सिख पंजाब में नहीं आता है वो पंजाब से बाहर हिंदुस्तान से बाहर कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जर्मनी स्टेट में चला गया है। उसका कारण कई कभी आपने से पूछा है 84 के दशक से बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन रोजबर्ड ऑपरेशन ब्लैक थंडर ऑपरेशन नाइट एम्बुलेंस ऑपरेशन शूटिंग और 31 अक्टूबर की रात से 4 नवंबर तक सारे ही देश में फ्री हैंड दे दिया गया था कि जहां कोई सिख व्यक्ति उसे मार दिया जाए। उस टेररिज्म की वजह से लाखों की तादाद में सिखों को एक देश होकर जाना पड़ा उनको नागरिकता खो देना उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी क्या आप वो माहौल हमारे लिए पैदा कर सके कि हम इस देश में फिर से आकर को नागरिकता लेके हमारे कातिलों को सजा मिली। ये सवाल आप लोगों को हर उस जर्नलिस्ट से करना चाहिए और यहां पर आपको ये चीज कहता है कि उन पीड़ितों के लिए कानून बेनिफिशियल है उनसे पूछ लेना कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भाई जसवंत सिंह खालड़ा की वो फाइल जिसमें उन्हें एक्सपोज किया स्टेट टेररिज्म को पंजाब में वो फाइल्स क्या जब कनाडा से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भाई जसवंत सिंह खालड़ा पंजाब लौटे तो उनकी लाश फिल्म करवाने को नहीं वो जो लाखों की तादाद में लोग जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट टेररिज्म की वजह से यहां से गए उनको नागरिकता कौन देगा। आपको बांग्लादेश का सिख दिखता है आपको अफगानिस्तान का सिख दिखता है आपको पाकिस्तान का सिख गलत सी बात दिखना चाहिए लेकिन जो लाखों की तादाद में आप लोगों ने स्टेट टेररिज्म के नाम पर स्टेट टेररिज्म की वजह से पंजाब में सिखों को पंजाब से निकलने में मजबूर किया उनको नागरिकता कौन देगा। कभी इस चीज का जवाब हमें किसी ने दिया कौन देगा। इन लोगों के पास जवाब नहीं है खाली ऐसे कानून हैं जिनके बलबूते पर ही अपना प्रोपेगेंडा हिंदू राष्ट्र का कायम रख सकते हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं। एक कानून जो सिटीजनशिप का नागरिकता का देश में बना हुआ था वो कानून सिंपल सा है अगर कोई सिख पीड़ित है अगर कोई मुसलमान पीड़ित है कोई हिंदू पीड़ित है कोई ईसाई पीड़ित है वो उस लॉ को फॉलो करे उस प्रोसेस को फॉलो करे उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब इसमें स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने का क्या मतलब यही हम सब लोगों का सवाल है ना। यहाँ मकसद ये है कि गांधी का भारत 90% मत चुका है ये भारत सावरकर का ये भारत गोडसे का है। ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल इस देश में है हमने पिछले 3 दिनों से लाइव देखा है कि गोडसे के स्लीपर सेल कैसे दिल्ली में घूम रहे हैं कौन से एटीएस इनका एनकाउंटर करेगी कौन सी एसटी अपने को कहेगी। जब इस देश का एक मंत्री स्टेट लेवल का यह बात कहते कि गोली मार दो फिर गोलियां चलती हैं मेरे हिसाब से इस देश का जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक फेस है वो काला हो चुका है और ना ही इस बात को कहने में शर्म आनी चाहिए ना ही डरना चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म वो डेमोक्रेसी वो जुडिशरी इस देश में अब रही नहीं। अगर रहती तो शायद हमें धीरे धीरे ना देखने पड़ते लोग अब ये बातें करते हैं कि ये चीजें स्पॉन्सर हो रही हैं लोग करवा रहे हैं ये जितने भी लेजिस्लेशन है प्रोटेस्ट है ये स्पॉन्सर है ये भाजपा की ताकत प्रोपेगेंडा है
लेकिन वो ये चीज नहीं नोटिस कर रहे कि जितना हमें हमें मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश की हम इतना ही जुड़े हम इतना ही नजदीक आएंगे, क्योंकि एक सच्चाई है, एक असलियत है कि अगर आज आप निशाना बने हैं, पहले हम निशाना बने हैं, तो कल हमारी फिर से हमारी है। एक बार जब बादल कुत्ते के मुंह को खून लग जाए ना, उसे बार बार गांधी की आदत पड़ जाती है। और इन बादल कुत्तों को हम यही बता दें कि हम म्युनिसिपैलिटी वालों का देख नहीं करेंगे कि आप इन्हें जहर दें। हम जहर देने में खुद आए हैं और हम इन बादल कुत्तों को उनकी असली जगह पर पहुंचा करेंगे। जो माहौल आज पूरे देश में बना हुआ है, इस माहौल के पीछे कौन लोग? एक स्टेट का सीएम प्रोटेस्टर से कल बिल भेज रहा है कि इतना नुकसान आपने किया, ये नुकसान भरपाई की। क्या जब शादाब पे गोली लगी तो उस लड़के से कहा गया, हिंदू महासभा में कहा गया कि आपने कितना बड़ा किताब दे दिया, आप शादाब का इलाज कीजिए, कहा गया? हर एक खतकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उस सिस्टम को नाकारा बना दिया जाए और हम थक हार कर इनके आगे घुटने देंगे। मैं जिस माहौल से आया हूं, जहां मैं पैदा हुआ हूं, मेरे हिसाब से अगर वहां पर लोग ऐसे रह जाए ना, तो एक नहीं, दो नहीं, सौ के करीब लाशें गिरा दी जाएंगी। आज मैं बॉर्न कश्मीर, मेरा घर कश्मीर में है, मैं पैदा कश्मीर में हुआ हूं। और सब जानने जो अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं ना, जो बाबा राव, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो चीज इंडिया ने कश्मीर में दिखाई होती तो आज कश्मीर का कोई मसला ही नहीं होता। लेकिन तब हुई एक चीज, आपसे मैं शिकायत करूंगा कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान था वो उतरा, और ये सबसे बड़ी गलती थी आपकी। और हमारे कश्मीर में कहावत फेमस है कि जब कश्मीर में एक्सन चल रहा होता है तो जो मौलाना है वो खुतबा फलस्तीन पे पढ़ता है कि फलस्तीन पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन का जो इमाम है वो खुतबा कश्मीर के मुसलमानों पे पढ़ता है, लेकिन अपने घर की बात कोई नहीं करता। ये हमारी असलियत है। हम लोग चाहे हम माने या ना माने, हमने बार बार इनको मौका दिया और आज ये चीज हमें देखने की, ये तो कुछ रिएक्शन देते नहीं। जो यूपीएम का लाया वो तो इन लोगों के अपने फेल हो चुका है, रिएक्शन आई नहीं। तो अब ये हालात है कि अब जब एनआरसी की बात हो रही है तो हमें अपने घर छोड़ने पे आपको लगता है कि मजबूर हो चुके, पर ये शुरुआत एकदम नहीं हुई। ये पांव से पकड़ा इन्हें और फिर हमारे दरबार में पहुंचे, और पहुंचने पे जो यहां तक पहुंचे ना, उसके सबसे बड़ा कारण जो है हम लोग, वो आप समझ, क्योंकि आपने पहुंचने दिया सब लोग यहां जाकर पहुंचे। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन दल खालसा पंजाब से यहां चलकर आई है आप सब लोगों के सपोर्ट में, और इस चीज के प्रोटेस्ट में, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट में, कि जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बार बार शाहीन बाग और जामिया में भेजे जा रहे हैं, उस चीज के एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट में हम यहां पर आए हैं कि ये चीजें बंद कर दो, नहीं तो हम 10-20-30 आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, अगर ये चीज बंद नहीं कही गई तो जो 50% पंजाब में बच चुके हैं, सिर्फ भी नागरिकता भी है, बाकी लोग ले लेंगे 84 के बाद, स्पेस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से तो ले ली है, हमको 50% यहां पर लेकर आ जाएंगे। क्योंकि जो गलती
84 से लेकर 2010-2012 तक आप लोग ने की, ना आप कश्मीर पे बोले, ना आप पंजाब पे बोले, वो गलती हम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे और हम तब तक बोलेंगे जब तक ये लोग सुन नहीं लेते, क्योंकि हम सावरकर को नहीं, हम गोडसे को नहीं, हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं। और भगत सिंह ने कहा था कि बैरों के कान तक आवाज पहुंचाने के लिए ना आवाज वाला पंप खोलना पड़ता है, और उनके कान तक हम बार बार वो पंप खोलते रहेंगे। अगर हम अंग्रेजों से लड़ते हुए कुर्बानियां दे सकते हैं, अगर हम और लोग जो भारत को लूटने के लिए यहाँ आए और हमने उनके साथ मुकाबले किए, चाहे हमारी आबादी कुछ भी नहीं थी, ये लोग ये जान लें कि इस देश में हमारी आबादी बनी है थोड़े से कमरे के लिए। लेकिन हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जब आप अपने आप को सिख कराना शुरू कर दे तो ये चीज मानने की बहुत सच्चाई है, और एक ना दिन आप लोगों को मरना ही है। और जिस सिख की मौत इंसाफ की जंग में, हक की जंग में और दूसरों के लिए, उसकी जिंदगी जो है वो सही मामले में कुछ अपनी जिंदगी में करके गया। और हमने इस देश की आजादी में वो बात साबित की, जब और इश्यूज में हमारी जरूरत पड़ी तो हमने तब भी वहां ये बात साबित की। और अगर आपके केस में हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आपसे वादा करते हैं कि ये बात हम फिर से साबित करेंगे। क्योंकि अगर तुम मिले थे तो ये पूछकर ना करता देने कि आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप मुसलमान हैं, मेरे हिसाब से तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून बनाने वालों को, ये सोचने वालों को कि ऐसा कानून बनाएंगे तो लोग हमारा साथ देंगे। हर एक स्टेट में अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं, अपने इश्यूज हैं, और मजहब नहीं कुछ ऐसे सकते जिनमें आपसे नहीं बनते। मान लिया अफगानिस्तान में मुस्लिम स्टेट है, पाकिस्तान में मुस्लिम स्टेट है, बांग्लादेश में मुस्लिम स्टेट है, लेकिन सच्चाई है कि कुछ अपने ही सच में नहीं बनती। तो अगर वो लोग यहाँ के काम होंगे आप उनको भी मना कर दो तो वो लोग जाएंगे। एक सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा कि जिस सोच को लेकर हिंदुस्तान बना था वो सोच थी सेकुलरिज्म, कि मजहब के नाम पर फैसले नहीं किए जाएंगे। और इस वजह से करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जिन्ना का फैसला जो है वो कबूल नहीं किया, वो गांधी हिंदुस्तान के साथ है। और आप लोग बार बार जिन्ना की रूह तक खुशी पहुंचाते हैं जब ये कहते हैं कि साबित करके दो आप इस देश के नागरिक हैं, साबित करके दो आप इस देश के नागरिक हैं। अब कैसे साबित करें? इन्हें कहा आप तिरंगा हाथ में लेकर रह रही है, हम पिछले दो महीने से आप सारा रहे हैं, हम क्या करें? अब ऐसी कौन सी साइन, कौन सी निशानी है देशभक्ति की जो ये आप लोगों से लेना चाहते हैं, जो ये हम लोगों से लेना चाहते हैं? असल में इनका एजेंडा ये नहीं कि तिरंगा हाथ में ले, इनका एजेंडा ये है कि भगवा अपने हाथ में ले। इनका एजेंडा ये नहीं कि ये भारत की बात करें, इनका एजेंडा ये है कि ये आरएसएस की बात करें। इन्हें सबसे ज्यादा मौत तब पड़ती है जब कोई भारत का मुसलमान देश की बात करता है। इनको लगता है कि हमारा प्लान तो पूरा फेल हो चुका है, हमने जितना एंटी नेशनल बनाने की कोशिश की इतने ही नेशनलिस्ट बन के सामने, और ये सच्चाई है। हम अगर आज आजादी के नारे लगाने पे मजबूर हुए हैं तो वो आजादी हमें, जो आप लोग आजादी मांग रहे हैं वो क्या है, क्या इन लोगों को पता नहीं? एक ड्रामा जो हमने किया है कि आजादी के नारे लग रहे हैं, वो कौन सी आजादी? जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से की जाती है, क्या वो कश्मीर में है? क्या जब धर्मजन मोर्चा पंजाब में लगाया गया वो तब वो फंडामेंटल राइट्स हमें मिली? क्या उस देश को डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, इन चीजों पे बात करने का हक है? जिस देश की राजधानी की जो सड़कें वो गवाह हैं,
20 से लेकर 25 साल से 3 करोड़ खत्म कर दिया गया। आप बताइएगा इस देश को आखिर समय बात करने का। अगर इस देश में किसी चीज को लेकर रेवोल्यूशन आना चाहिए तो वह जुडिशरी जो वीक हो चुकी है, वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो वीक हो चुकी है। ये नागरिकता की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अब हम ये कानून लाएंगे, अब वो नहीं कोई कर सकता, ये नहीं कर सकता। जो स्टेट बार बार निर्दोषों को दोषी बनाकर सामने खड़ा कर रही है, जो स्टेट बार बार जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा पाई, क्या उसे हल्के इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की नागरिकता? ये सब इस स्टेट में 30 साल से एक मनोरिटी इस चीज पे रो रही है कि जिन लोगों ने सड़कों पर बड़े वो होकर ये भाषण दिए कि उन्हें पैर इनके गलों में पैर लगा के गला दोगे, और वो लोग 30-30 साल तक फ्री रहे, तब उस देश को आज क्या बात करनी चाहिए कि अपनी जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? हमने तो अपनी जुडिशरी का मजाक बना दिया। जब इंडिया में वो चलता है तो लगता है जैसे कपिल शर्मा शो चल रहा है, 30-20 साल हो जाते हैं और मुझे जवान होता है दिमाग में बूढ़ा हो जाता है और पता नहीं है। और जब वो खुद मरने की इंतजार करता तब उसी कहा जाता है उम्र क्या है। जो इस देश में आज इशू बने हुए हैं, जो सेतर बना हुआ है देश का, वो इशू इस देश ने खुद बनाए हुए हैं। शुक्र कीजिए कि अभी स्टेट ने दिल्ली में आप लोगों के ऊपर पीएसए लगाना शुरू नहीं कर दिया, पब्लिक सेफ्टी है। यहां पर तो पिछले 6 महीने से कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और जो करंट मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर पीएसए लगा दिया गया है। अगर वो लोग गद्दार थे तो राजनाथ सिंह के समय पर नरेंद्र मोदी के साथ क्यों बैठा था? उसे गद्दारों के साथ बैठने में क्या जरूरत है? ये लोग वक्त वक्त और लोगों को यूज करने में ना इनको आदत पड़ चुकी है। जिस भारत के नेता ने दिल्ली में जाकर ये बात की कश्मीर भारत का हिस्सा है, चाहे वो अपने ही लोगों के खिलाफ गया और कश्मीर इस चीज के हक में नहीं था, उस सारे नेता तो आज ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से कश्मीर में इतने हालात खराब हुए। आखिर में आप सबका साथ लेकर हम कुछ नारे बुलंद करेंगे कि ये जो हरी सरकार है इसके कानून का आवाज पहुंच जाए कि हम क्या चाहते हैं, हम कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं। और आज इतने वर्षों की आजादी के बाद भी हमें आजादी ढूंढने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इस चीज के लिए जो आजादी हमें आज इतने साल पहले मिल चुकी थी, वो आजादी का हमें आज तक एहसास नहीं हुआ। इस शर्मिंदगी में स्टेट के द्वारा कार्य हमें धूम बनना चाहिए। तो मैं कुछ नारे लगाऊंगा, ये वही वेपन है जो भगत सिंह ने सरकार के खिलाफ यूज किया था। आप सब मेरा साथ देना चाहिए कि जो ये घरी सरकार है इसके कानून कदम की आवाज हो जाए। आवाज दो मोदी तेरी गुंडा करती हमेशा तेरी गुंडा करती हमेशा तेरी दहशत करती धर्म के नाम पर देश को बांटना धर्म के नाम पे कानून बनाना हम क्या चाहते है? हक हमारा हम लड़कर लेंगे हम मिलकर लेंगे। शर्माना छोड़ो घबराना छोड़ो हम लेके रहेंगे इस मनुवाद से इस आरएसएस से इस आरएसएस से कल खालसा मांगे कल खालसा मांगे हम लड़कर लेंगे जामिया भी मांगे है हक हमारा मोदी तू सुन ले
तू सुन ले, जो तुम ना दोगे हम छीन कर लेंगे, हम छीन कर लेंगे, हम छीन कर लेंगे। शुक्रिया आप सबका और मुझे उम्मीद।